Assalamu alaikum students, I hope you are doing good. In the previous lecture, we have studied about intersection concept and union concept. And today, we are going to study about power sets. So students, power set जो है आपका बहुत ही एक easiest concept है mathematics में, जो कि हम sets chapter में use करते हैं, ठीक है? इसमें आपको simply करना क्या है, कि आपको लेट से एक सेट गिवन होगा, उसके आपने ये एक तरह से गेम की तरह है कि आपने जो है उसके जितने भी एलिमेंट होंगे, चाहे वो एम्प्टी सेट हो या उसके वन एलिमेंट हो, टू एलिमेंट हो या सो ऑन, जितने भी एलिमेंट हो उसके आपने मैक्सिमम पॉसिबल सेट्स बनाने होंगे अपने एक सेट के अंदर, ठीक है? देखते हैं होगा कैसे। लेट से हमारे पास एक सेट है, सेट ए, जिसका एलिमेंट है ए, ठीक है? इसको अब आपने सॉल्व किस तरह से करना है, इसका एक फिक्स फॉर्मूला है जो है 2 की पावर n, ठीक है? n आपका क्या है, जितने भी एलिमेंट्स आपके सेट में एग्जिस्ट करते होंगे n की जगह उतनी वैल्यू आपकी पुट डाउन हो जाएगी। कैसे? लेट से यहाँ पे जो है आपका एक एलिमेंट है, ठीक है? तो n की जगह आपने 1 पुट करना है, 2 अपनी जगह पर ही है, n की जगह पर आपने 1 पुट किया, इट मीन्स के 2 × 1 2 × 2। तो ये चीज़ आपको ये बताएगी कि ये कितने मैक्सिमम पॉसिबल पावर सेट्स बन सकते हैं आपके। तो चेक करते हैं कि 2 सेट्स किस तरह से इसके बनेंगे। आपने हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले तो आपको एक एम्प्टी सेट बनाना है, ठीक है? आपका एक ही एम्प्टी सेट हो गया, देन किस सेट की पॉसिबिलिटी है? ज़ाहिर है यहाँ पे एक ही एलिमेंट है तो आप एक ही एलिमेंट का सेट बनाएंगे। तो ये आपका फॉर्मूले में जो आपका आंसर आया था वो वेरीफाई हो गया इससे, ये आपका है फाइनल आंसर। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ये लेट से आपका सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3, ये आपका सेट है, इसके 3 एलिमेंट हैं 1, 2, 3। वही इस पर आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब देखें यहाँ पे जो है वो 3 एलिमेंट हैं, तो आपने n की पावर 3 रखनी है। आपने यहाँ पे 2 की जगह तो 2 रखा, लेकिन n की पावर आपने 3 कर दी। प्रीवियस क्वेश्चन में एक एलिमेंट था तो n की पावर आपने 1 की थी, यहाँ 3 एलिमेंट हैं तो n की पावर आपने 3 कर दी। अब इट मीन्स 2 × 3 तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, इसके जो हैं 8 सेट्स बनेंगे। ये देखें 8 आंसर है। तो लेट्स चेक इट आउट कि किस तरह से 8 सेट्स बनते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपका एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है? उसके बाद आपने करना क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स गिवन हो सबको पहले सिंगल सिंगल करके लिखना है। आपने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, ठीक है? एक बात हमेशा याद रहे कि हर सेट के बाद जो है आपने कोमा लाजमी लगाने, वरना आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, पहले सिंगल सिंगल लिख दिया, फिर आप 2, 2 के पेयर बना के लिखें। क्या पॉसिबिलिटी है, पहले 1, 2 आ जाएगा, फिर 2, 3 आ जाएगा, फिर 1, 3 आ जाएगा, 1, 2, 1, 3, 2, 3, ये 2, 2 के आपके पेयर हो गए। एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि आप तीनों को एक साथ लिख दें, यहाँ पर आपने तीनों को एक साथ लिख दिया। अरेंजमेंट की कोई ऐसी यानी कि कंडीशन है नहीं, जैसा आप चाहें अरेंजमेंट कर सकते हैं। बस ये है कि जो फॉर्मूले में आपके नंबर ऑफ़ सेट्स बनते हैं टोटल, आपके आंसर में उतने नंबर ऑफ़ सेट्स आना मैंडेटरी है। तो हम गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे 8 नंबर ऑफ़ सेट्स हैं और फॉर्मूला क्या बता रहा था, 8। तो ये भी आपका आंसर करेक्ट हो गया। तो यहाँ तक आपका पावर सेट का कॉन्सेप्ट था। इसमें 2 पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं, एक और पार्ट है पार्ट 2, वो आप खुद अपनी कॉपीज़ में एज असाइनमेंट आप सॉल्व करेंगे तो आपको मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें अब हम मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द मेंबर ऑफ यूनियन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, फिर से हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। आपको पेयर दिया हुआ है सेट का, ठीक है? इसका आपने पॉसिबल यूनियन सेट फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से करेंगे, लेट्स से इस सेट को हम ए सपोज कर लेते हैं और इसको
बी सपोज कर लेते हैं, ये आपका ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। यूनियन में हम करते क्या हैं, आई रिपीट के सारे पॉसिबल एलिमेंट्स हम लिखते हैं, बस ख्याल हमने क्या करना है कि रिपीट कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे ए भी है, यहाँ पे भी ए है, तो ए हमारा एक एक दफ़ा हम लिख देंगे। यहाँ पे बी है और बी और कहीं नहीं है, तो बी भी हमारा आ गया। सी यहाँ पे भी है और सी यहाँ पे भी है, तो सी भी एक ही दफ़ा आ गया। डी यहाँ पे भी है और डी यहाँ पे भी है, तो डी भी हम रिपीट नहीं करेंगे, इनफैक्ट एक ही दफ़ा लिख देंगे। तो फाइनल हमारा आउटपुट क्या हुआ, ब्रैकेट ए बी सी डी, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। इसी तरह से ही इसका नेक्स्ट पार्ट होगा। लेट्स से आपको दो सेट गिवन है, एक सेट 384, दूसरा 5 मीन्स एम्प्टी सेट। तो इसका यूनियन किस तरह से लेंगे, 384 सेट ए आ गया, यूनियन एम्प्टी सेट सेट बी आ गया। तो एज इट इज़ ये ही आपका आंसर होगा, क्योंकि एम्प्टी मीन्स निल ज़ीरो, तो यही आपका यूनियन होगा। थैंक यू फॉर टुडे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे।